एवं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करते हैं। नंबर चैप्टर नंबर 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स का बेसिक है, ब्रेकआउट इसका बेसिक है, यहाँ से शुरुआत होती है चार्ट पैटर्न्स की, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए तब आप ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न्स को अच्छे समझ सकते हैं। तो टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंटली चार्ट पैटर्न में कैंडलस्टिक पैटर्न देखना जरूरी नहीं है, चार्ट की शेप किस तरीके की है वो देखनी पड़ती है चार्ट पैटर्न्स में। और इसमें हमारे पास सबसे पहले कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? ऑनगोइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ, मतलब अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद बाई आ जाए, उसमें बढ़ते हुए ट्रेंड में बाई आ जाए, इसको बोलते हैं ऑनगोइंग ट्रेंड। ऑलरेडी स्टॉक बढ़ रहा था, ऐसा क्या पॉसिबिलिटी हुई कि बढ़ने के बाद यहाँ फ्रेश बाई आ गया? तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बनता है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न में एग्जिस्टिंग ट्रेंड कंटिन्यू करता है, मतलब अगर स्टॉक गिर रहा है तो गिरने के बाद सेल आ जाता है, ऑलरेडी गिरावट हो चुकी होती है। लेकिन रिवर्सल ऐसा नहीं है। रिवर्सल में क्या होता है? रिवर्सल में स्टॉक जो गिर रहा होता है उसमें पैटर्न बन के वो घूम जाता है, और जो स्टॉक बढ़ रहा होता है उसमें गिरावट आती है। तो उसको तो रिवर्सल थ्योरी में हम क्या कर सकते हैं, चार कैंडलस्टिक पैटर्न जितने भी हमने आपको बताए हैं। तो अगर रिवर्सल ढूंढना हो तो कैंडलस्टिक पैटर्न, और अगर ब्रेकआउट ढूंढना हो ज्यादातर, वैसे रिवर्सल हम चार्ट पैटर्न से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेजरली रिवर्सल के लिए जो पैटर्न्स बने हैं वो कैंडलस्टिक ज्यादा यूजफुल है। कंटिन्यूएशन पैटर्न एक चार्ट पैटर्न है जो कि ऑनगोइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ऑलरेडी स्टॉक 20% 30% पहले ही ऊपर होता है और वहां से बाइंग देनी उसमें, और उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न से नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए जो थ्योरी बनी है दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो चार्ट पैटर्न में पहला पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न, दूसरा पैटर्न रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न तो मेरे ख्याल आप पढ़ चुके हैं, बुलिश रिवर्सल बेरिश रिवर्सल, जहां से ट्रेंड चेंज होता है, गिरावट के बाद अप ट्रेंड आता है और अप ट्रेंड के बाद गिरावट आती है, लेकिन वो चार्ट पैटर्न के थ्रू भी हो सकता है। वो काम कैंडलस्टिक पैटर्न भी कर सकता है, वो काम चार्ट पैटर्न भी कर सकता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई रिवर्सल सिग्नल कैसे लेना है, मतलब गिरे हुए स्टॉक को कैसे बाइंग करना है, तो वो रिवर्सल पैटर्न, वो रिवर्सल थ्योरी है। और रिवर्सल थ्योरी में हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं। और अगर हम बोलते हैं कि हमें ऑनगोइंग ट्रेंड पे बाइंग करना है, यानी कि गिरावट चल रही है और वहां से सेल लेना है, ऑलरेडी गिरावट चल रही है और गिरावट होने के बाद शॉर्ट करना है, या एक स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है और वहां बाइंग करना है, तो वो पैटर्न का नाम है कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो तीसरा पैटर्न है बाइलेटरल पैटर्न, जिसमें जनरली साइडवेज मूव चल रहा होता है, ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, मार्केट का मूव साइडवेज है, अनसर्टेनिटी में है, मतलब बहुत ज्यादा अप ट्रेंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड भी नहीं है, तब अगर कुछ करना है तो वो हमारे पास होता है बाइलेटरल पैटर्न। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। Kindly subscribe the course to see full videos. Learn complete course in 20 videos online. Subscribe now. Kindly subscribe the course to see full videos. Learn complete course in 20 videos online. Subscribe now.